नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है क्यों रखा जाता है सावन के सोमवार का व्रत, इसका क्या महत्व है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये प्रसंग शुरू करते हैं। सावन के महीने में सोमवार को क्यों रखा जाता है व्रत। हरि प्रेमियों, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही परम प्रिय है। इस महीने में हर भक्त शिव के रंग में रंग जाता है। हर जगह बम बोले की आवाज सुनाई देती है और कहा भी जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जाता है और किया जा सकता है। भगवान की कृपा और मन वांछित फल पाने के लिए सावन भर में भगवान की सेवा और भक्ति में लोग लीन रहते हैं। सावन के महीने के सोमवार का भी बहुत विशेष महत्व है। ज्यादातर शिव भक्त सावन के सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि इससे भक्तों की कामना जरूर पूरी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन का सोमवार इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती ने जब अपने पिता के घर पर अपने पति शिव का अपमान होते हुए देखा तो माता सती से सहन नहीं कर पाई और राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में उन्होंने अपने शरीर की बलि दे दी, शरीर त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ले लिया। पार्वती के रूप में उन्होंने भगवान शिव को फिर से अपना वर चुना। भगवान शिव को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव जी उनके तप से प्रसन्न होकर मां पार्वती के सामने प्रकट हुए थे और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार भी किया था। इसके बाद पार्वती जी का भगवान शिव के साथ विवाह हो गया। तब से ये पूरा महीना शिवजी और माँ पार्वती दोनों का ही प्रिय महीना बन गया। क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित होता है, ऐसे में उनके प्रिय महासावन में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शिव भक्त सोमवार का व्रत नहीं रखते तो भी सोमवार को सावन के सोमवार को भगवान शिव पर जल अभिषेक जरूर करते हैं। कहा जाता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। सुहागिनी स्त्रियां सौभाग्यवती होने का आशीष प्राप्त करती हैं और पति की लंबी आयु प्राप्त करने का आशीर्वाद लेती हैं। वहीं अगर कन्याएं कुंवारी है तो ये व्रत रखे, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। उनके सोमवार के दिन सुबह शाम स्नान करके पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए। भगवान शिव और माँ पार्वती को दूध दही शक्कर शहद गंगाजल और घी से शिव परिवार को स्नान करवाए और फिर फल फूल चंदल वस्त्र बेल पत्र धतूरा भांग रोली धूप दीप शिव परिवार को अर्पित करें। गणपति को दुर्वा चढ़ाएं और शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। सावन सोमवार की व्रत कथा जरूर पढ़िए, इससे आपकी हर मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करेंगे। और इसके बाद आरती पूजन करें और फिर प्रसाद सबको बांटे और स्वयं भी ले। हरि प्रेमियों, आपको ये सोमवार व्रत कथा में सोमवार का महत्व कैसा लगा? हरि प्रेमियों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। हरि प्रेमियों, ओम नमः शिवाय।